जहाज की यात्रा जितनी मज़ेदार होती है उतनी कठिन भी। और ऐसी ही एक घटना ने आज लोगों के होश उड़ा कर रख दिए। दरअसल सियोल से ताइवान जाने वाली एक कोरियन फ्लाइट में अचानक कम ऊंचाई होने के कारण कैबिन के अंदर प्रेशर पूरी तरह से गड़बड़ा गया, जिसके चलते अंदर बैठी यात्रियों की हालत खराब होने लगी और उन्हें अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, फ्लाइट ऑपरेटर से पता चला कि ये कोरियन फ्लाइट 15 मिनट में 26,000 फीट से ज़्यादा नीचे आ गई। विमान का प्रेशर सिस्टम बिगड़ने से फ्लाइट को वापस सियोल लैंड कराया गया। आपको बता दें, शाम करीब 7:30 बजे सियोल के इंचियोन हवाई अड्डे पर विमान को सुरक्षित रूप में लैंड करने के बाद कम से कम 13 यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ताइवान रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि ये फ्लाइट 15 मिनट में 26,900 फीट नीचे आ गई थी, जिसके चलते यात्रियों में घबराहट फैल गई। तेज विमान नीचे आने से यात्रियों के कान दर्द होने लगे और उनके अंदर से चीख निकल आई। एक यात्री ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि ये फ्लाइट मेरे लिए रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। हालांकि इस हवाई यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई।